नदिया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला ब्रहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनताम यास्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्हा जी के महाअक्षयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। कार्तिक का महीना आ गया बंधुओं। कार्तिक के महीने पे कृष्ण पक्ष की अमावस्या भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक को लेकर के आती है। होता है जब अवसर आते हैं तभी चीजों की याद आती है, जैसे ठंडी आती है तो स्वेटर की याद आती है, गर्मियों में स्वेटर बिल्कुल भी याद नहीं आती। ऐसे ही सामायिक में बहुत देर तक बहुत कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि एक सती चेलना के कथानक को खत्म करने के बाद पुनः एक नया कथानक जीवन के सौंदर्य को विकसित करने के लिए फिर कहना चाहिए। इस बार कथानक संवाद जो है हम भगवान महावीर स्वामी से लेकर के सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवंत पूज्यपाद भगवंत ने स्टोपदेश नामक ग्रंथ में एक छोटी सी बात लिखी है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। दो पंक्तियों का श्लोक है, उसमें आचार्य भगवंत कहते हैं मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से जब यह ज्ञान आवृत हो जाता है, जब हमारे ही अंदर के ज्ञान को मोह ढक लेता है, स्वभावम लभते नहीं, अपने खुद के स्वभाव को हम देख नहीं पाते हैं। कैसे नहीं देख पाते हैं तो गुरुदेव ने नीचे की पंक्ति पे दो चरणों में उदाहरण लिखा, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। कोदो होता है तो जितना कोदो पुराना होता चला जाता है उस पुराने कोदो में मादकता बढ़ती चली जाती है। पुराने कोदो को जैसा आप गला करके और उसके जल तत्व के साथ उसमें मादक पदार्थ आ जाते हैं और विशेष चीजों के संयोग करने पर, उबाल देने पर, उसको थोड़ा सा सड़ा देने पर फिर उस जल को जब पीते हैं तो उसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। जैसे कोई पुराने कोदो को पीन करके उसके पानी को भक्षण करने पर जैसे वो ग्रसित हो जाता है, मतवाला हो जाता है, यदवा तदवा बकने बोलने समझने लगता है, ठीक ऐसे ही संसार की भी स्थिति है बंधुओं। बच्चा अपने आप को बच्चा समझता है, माँ अपने आप को माँ समझती है, वृद्ध अपने आप को वृद्ध समझता है, जॉब करने वाला अपने आप को जॉब करने वाला समझता है, बिजनेसमैन अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन आत्मा अपने आप को कोई नहीं समझता। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम जिन परिस्थितियों में सर्वाइव कर रहे होते हैं हमको उस परिस्थितियों में डूब करके जीने की आदत होती है। मत्तः पुमान पदार्थानाम मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। वृद्धपना शरीर का हो सकता है, आत्मा का तो नहीं होता। बच्चा भी शरीर से बच्चा होता है, आत्मा से कोई बच्चा भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा की वह स्थिति ही नहीं है। ये कहानी, ये कथानक भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ करके चल रहा है। उनको भी नहीं पता था कि हम आगे चल के क्या बनेंगे,
और हमको भी नहीं पता है कि हम आगे चल के क्या बनेंगे। वे भी सारी चीजों से, सारी परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे और हम भी बहुत सारी परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हम हमेशा शावकों से ये अपेक्षा रखते हैं, जब भी आप हमारे मुख से कोई कथानक सुने तो उसमें श्रोता बनकर के कथानक को न सुने, उसमें डूब करके खुद को पहले देखने का प्रयास करिए। जब मैं आपसे बोलूं कि चेलना बनना है आपको, जब मैं चेलना का चरित्र बोलूं तो आप चेलना के उस चरित्र में डूब जाइए। जब मैं चंदना का चरित्र बोलूं तो आप उस चंदना के चरित्र में डूब जाइए। जिस चरित्र को सुन रहे हो उस चरित्र में डूब करके जब उस चरित्र को आप सुनते हैं तो फिर कथानक अंदर तक स्पर्श करता है। श्रोता बन के सुनने पर तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे ठंडी के दिनों पर घास के ऊपर जो ओस की बूंद हीरे के जैसे चमकती है, तो वो दिखती तो हीरे के जैसी होती है लेकिन होती नहीं है। जब आप श्रोता बन के किसी कथानक को सुनते हैं तो श्रोता बन के आपको वो हीरा जैसा दिखता तो है लेकिन आप उस हीरे का स्पर्श नहीं कर पाते। लेकिन जब आप कथानक में डूब करके उस चीज को जीने का प्रयास करते हैं फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ था, कहाँ से मुझे कहाँ लाया जा रहा है। और विश्वास ना हो तो इस कथानक को सुनने के साथ आप उसमें डूबने का भी प्रयास करिएगा। हिमकूट नाम का एक पर्वत है। हिमकूट अपने शब्द से ही कह रहा है कि वह पूरा का पूरा पर्वत बर्फ से ढका हुआ है। उस ठंडी के दिनों में जैसे हमारी आपकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है और तीव्र जठराग्नि में अत्यधिक भूख लगने पर आदमी जल तत्व को लेना पसंद नहीं करता, दूध पीता है, गरिष्ठ भोजन करता है, उड़द का प्रयोग करता है, जितने भी हैवी आइटम हैं सब ठंडी के दिनों में खाता है, शरीर को पुष्ट करता है। ठंडी के दिनों में जब हमारी जठराग्नि बढ़ जाती है तो कभी कल्पना करिए कि कोई हिमकूट नामक पर्वत है, अत्यंत बृहद और विशाल है। कई बार प्रवचन आंख बंद करके सुनने पर आदमी को उस स्थिति तक ले जाते हैं। बंधु, हिमकूट नाम का पर्वत, वहां पर वह पूरा का पूरा पर्वत बर्फों से ढका हुआ है और ढके हुए पर्वत में गहरे गहरे बहुत लंबे बड़े बड़े बहुत वृक्ष खड़े हुए हैं। वह पूरा का पूरा पर्वत जीव जंतुओं से भरा हुआ है लबालब। जरा जरा सी पर्वतों पर पैर रखने पर विचित्र प्रकार के जीवों की आवाजें आती हैं। उस हिमकूट पर्वत पर एक सिंह बैठा है, वो भी भूखा। तन की भूख तो है तनिक, आध पाव या शेर, मन की भूख विशाल है, चाहे खा लो सुमेर। आचार्य भगवंत कहते हैं इस बातों को कि तन की भूख तो है तनिक, एक पाव आटा खाओगे और तन की भूख मिट जाएगी 6-8 घंटे के लिए, लेकिन मन की भूख विशाल है, सुमेरु पर्वत के जैसा भी द्रव्य मिल जाए तो पर भी मन की भूख खत्म नहीं होती। एक शेर भूखा बैठा है ठंडी के उस पर्वत पर जो घनघोर बियाबान जंगलों से लबालब पटा हुआ है। हर कदम पर एक नया जीव चैंपों चैंपों की आवाज करता होगा। उस पर्वत पर विशालकाय बब्बर शेर, कल्पना करिए, कल्पना क्या करिए, अपने आप को बब्बर शेर समझिए। समझो इस बात को कि तुम एक शेर हो। शेर भी कैसे हो कि बब्बर शेर हो। उस बब्बर शेर में, बब्बर शेर क्या होता है, जिसको केसरी सिंह भी कहते हैं, जिनके गले पर जैसे आप बेबी ब्रांड कंपनी की केसर देखते हैं ऐसे उसके गले पर केसर के जैसे कलर के बाल होते हैं बंदो, उसको बब्बर शेर कहते हैं। एक शेर है, हिमकूट नाम का पर्वत है, अच्छा विशाल काय है। उस शेर का ऐश्वर्य देखिए आप। सबसे पहले आप अपने ऐश्वर्य में तो बहुत फीके पड़ जाएंगे, लेकिन अपने आप को शेर समझिए, बब्बर शेर। आंख बंद करके, आंख बंद करके बब्बर शेर समझ करके
उस शेर का ऐश्वर्य देखिए कि कैसे वो शेर धीरे 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 अपने मोटे गद्देदार जैसे 5 इंच मोटा उसका पंजा होता है। 5 इंच समझते हैं, इतना मोटा उसका पंजा होता है, बिल्कुल मुलायम। और जब शेर को शिकार करना होता है तभी शेर के पंजे के अंदर छिपे हुए गहरे और बड़े नाखून बाहर निकलते हैं। प्रत्येक समय शेर का नाखून बाहर नहीं निकलता, वो शेर 5 इंच मोचे गद्दे जैसे पैर पर बब्बर शेर चल रहा है, उसका ऐश्वर्य देखिए। उस ऐश्वर्य में देखिए जब वो चलता है और पीछे से किसी की आवाज आती है तो वो शेर कैसे मुड़ करके देखता होगा, उसकी आंखें देखिए, उसके मुड़ने का तरीका देखिए, उसके चलने की अंदाज को सोचिए, अपने दिमाग में पैदा करिए। एक बब्बर शेर का ऐश्वर्य क्या होता है, जब वो हुंकार लगाता है एक बब्बर शेर, तो कितनी तेज हुंकार होती है, किस तरीके की होती है। कल्पना में देखिए कि 5 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले जितने बड़े बड़े हाथी होते हैं वो शेर के सिर्फ हुंकार सुनने पर दहशत में आकर के और अपने स्थान को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े हाथियों के शरीर से शेर की दहाड़ सुनने मात्र से मल मूत्र का विसर्जन होने लगता है। बंधु, इतनी हुंकार होती है एक शेर की। पहली एक कारिकाओं के शब्दों में जाइए, पहले मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जैसे मोह से जब ज्ञान आवृत हो जाता है तो कोई भी जीव अपने स्वभाव को नहीं समझ पाता, ऐसे आप भी अपने स्वभाव को नहीं समझ पाए। स्त्री अपने आप को स्त्री समझती रही तो उसने संकल्प कर लिया कि चौला चूखा दुनिया भर के कामों में गृहस्थी के दाम्पत्य में मेरा पूरा जिंदगी निकल जाएगी। तुमने अपने आप को पुरुष समझ लिया तो तुमने ये संकल्प कर लिया कि दिन भर दुकान में और प्रपंचों में मेरी जिंदगी निकल जाएगी। ये स्त्री और पुरुष के पर्याय से हट करके चिंतन करो कि तुम एक बब्बर शेर हो, और एक बब्बर शेर बिल्कुल हिमकूट नामक सफेद पर्वत पर, जहां पर वो पर्वत बर्फ से ढका है, वहां पर वो शेर बियाबान घनघोर जंगलों में अपने मस्ती के साथ चलता बस चला जा रहा है। न उसको भूख है, न वो किसी को मारना चाहता है, लेकिन बस वो जा रहा है। उसके मोटे मोटे पंजे जब बर्फ के ऊपर पड़ते हैं तो शरीर के बाहर से बर्फ थोड़ा सा धंस जाता है, उसके निशान पैडल्स उसके पड़ते चले जा रहे हैं। और पड़ते 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 जब वो उस हिमकूट पर्वत से नीचे उतर करके गहन जंगल में प्रवेश करता है तो पहली बार जंगल में प्रवेश करते साथ ही वो जंगल को देख करके दहाड़ मारता है। तो 5 किलोमीटर के सराउंडिंग डाइस एरिया में जितने भी हाथी, लोमड़ी, सियार, चीते रहते हैं, वे सारे के सारे लोग दहशत में आकर के घबरा जाते हैं। जब तक शेर जंगल पे नहीं आया था तब तक सब चहक रहे थे। शेर के आते साथ ही सब पर चहकना बंद हो जाता है। आप भी बब्बर शेर हैं, घर के अंदर पहुंचते हैं, घर के अंदर चहकना बंद हो जाता है लोगों का। इस तरीके के तो नरसिंह तो हैं कि घर के अंदर घुसते साथ ही महाराज हमारा ऐसा जलवा है कि हम जैसे ही घुसते हैं घर में पिंड्राप साइलेंट हो जाता है, न पत्नी बोलती है, न माँ बोलती है, न कुछ बोलती है। ये आपके जीवन का सौंदर्य है कि आपके द्वारा क्रिएट की गई दहशत है। क्या है घर के अंदर कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र जीवन को जीने से पहले संकोच करता हो, जैसे शेर की दहशत है। ऐश्वर्य देखिए पहले शेर का क्या है बंधु, जैसे वो पूरे पूरे बर्फ के ढके पर्वत से नीचे उतर करके किसी बियाबान जंगल में पहुंच रहा है, पहुंचते वक्त उसने जब प्रवेश करने से पूर्व में ही एक जोरदार हुंकार लगाई, अपनी गर्जना करी, सिंह की गर्जना, और उस गर्जना मात्र से अंदर रहने वाले हाथियों ने अपने शरीर से मलमूत्र छोड़ करके घबरा गए। बंदर जमीन पर जो थे वे सारे सारे सबसे ऊंचे वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर के बैठ गए। जितने भी तोते, चिड़ैया, मैना थे इन सब ने अपनी आवाज निकालना बंद कर दी। चील जो चेंचे कर रही थी
वो भी सिंह की गर्जना सुन करके और ऊंची आकाश में अपना पर मार करके चली गई। तब जाकर के उस सिंह ने वो सफ़ेद दिखने वाले हिमकूट पर्वत से निकल करके बियाबान घनघोर जंगल में प्रवेश किया और सूखे से दिखने वाले पत्तों के ऊपर जब वह शेर पैर रख रहा है तो पैर रखते वक्त सूखे पत्ते जब चर्र चर्र करते हैं, बस उस चर्र चर्र की आवाज़ के साथ उसके शरीर से निकलने वाली आवाज़ सांसों की ध्वनि से वो पूरा जंगल अपने आप दहशत पे आ गया। जब पूरा का पूरा जंगल दहशत पे आ गया, कहीं से कहीं तक किसी के चलने फिरने उठने बैठने की आवाज़ नहीं आ रही थी। खूब गहरे जंगल पर चलने के बाद शेर को भूख लगी। ऐश्वर्य देखिए शेर का क्या गजब का है, और उस शेर के ऐश्वर्य से अपने ऐश्वर्य की तुलना करिए। जो लोग अपने आप को जीवन में कमजोर समझते हैं, दब्बू समझते हैं, आंख में आंसू ले आते हैं, रोते रहते हैं, वो एक बार अपने आप को शेर समझ के देखें। कल्पना करके देखिएगा कि जब मैं चलूं शेर का क्या ऐश्वर्य है, क्या मुड़ करके देखने का तरीका है, क्या हुंकार लगाने की ताकत है, उसके पंजे सामान्य से भी रखे जाने पर कैसे पत्ते पेड़ पर्वत सब चर्र चर्र की आवाज करते हैं। जब वो शेर छलांग लगाता है, उस शेर की छलांग देखिए कि जब वो एक बार कूदता है तो 50 फीट के पूरे पर्वत को नाक करके दूसरे पर्वत तक पहुंच जाता है। उस शेर की वो ताकत है कि 600 किलो का जो भैंसा होता है, वो शेर 600 किलो के भैंसे को अगर गर्दन से पकड़े तो 15 फुट ऊंची दीवार को नाक करके वो शेर जो है उस भैंसे को गर्दन से पकड़ के पीठ पे लादता है अपनी, और 600 किलो के भैंसे के साथ वो शेर 15 फुट लंबी ऊंची दीवार को पार करके भैंसा लेकर के जंगल में चला जाता है। इतना मजबूत जबरदस्त वो सिंह, कितनी ताकत है उस शेर की, बब्बर शेर की। वो बब्बर शेर की ताकत देखिए कि जो अफ्रीका के जंगलों पर 22 फुट से ऊंचे बड़े हाथी पाए जाते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट पाए जाते हैं, उन अफ्रीकन एलिफेंट के सिर के माथे पर जो इतना बड़ा माथा दिखता है जिसमें इतनी बड़ी हड्डी होती है, उस हड्डी पर वो बब्बर शेर अपने एक पंजे से वार करता है तो वो हड्डी कोलगेट के पाउडर के जैसे चूरा चूरा होकर के तड़ तड़ होकर के एक बार पे गिर जाती है। इतनी ताकत वाला वह शेर, इतनी ताकत वाले आप भी इतनी ताकत वाले हैं, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मोह से समृद्ध जो अज्ञान है, जो मोह है, वो हमें बार बार वो चीज दिखाता है कि देखो तुम एक स्त्री हो, तुम एक पुरुष हो, तुम एक वृद्ध हो, तुम एक गरीब हो, तुम एक अमीर हो, तुम एक रोगी हो, ये सारी चीजों पर तो हम जीते हैं। हम रोगी बन के जीना पसंद करते हैं, स्त्री बन करके जीना पसंद करते हैं, एक गरीब बन करके जीना पसंद करते हैं, एक दुख लेकर के अपने जीवन में जीना पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी हम इस तरीके का स्वस्थ चिंतन नहीं कर पाते कि मेरे अंदर भी उस शेर के जैसा ऐश्वर्य है। मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई, जैसे मदिरा पाई जानता नहीं है, कभी माँ को माँ कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, ठीक ऐसे ही हमारी भी जीवन शैली है। बंधु, हमने 2-4-5 करोड़ रुपए इकट्ठे का कर लिए, अपने आप को आसामी समझने लगे, और 2-5 करोड़ का नुकसान क्या हो गया, अपने आप को गरीब समझ करके मृत्यु के मुख में जाने की कोशिश करने लगे, लगता है महाराज बस फांसी लगाएं और मर जाएं, ऐसी भावना मनुष्य होकर के मन के अंदर पैदा कर रहा है, भाग रहा है यहां से वहां। अरे कोई बब्बर शेर कहीं से भागता है क्या? कहीं नहीं भागता, वो जीता है अपने अंदाज पे। तब जाकर के वो शेर है, उसके चलने का, उसके बोलने का, उसकी बात करने का, उसके हुंकारने का, उसके शिकार करने का, उसके बैठने का अपना एक ऐश्वर्य है। गर्मी लगने पर जब वो कीचड़ पर भी बैठता है
तब भी पैर कीचड़ पे रहते हैं, पेट कीचड़ पे रहता है, लेकिन मुंह में कभी कीचड़ नहीं लगाता। ऐसा उस शेर का अपना ऐश्वर्य होता है। बंधु कल्पना करिए, पहले कल्पना करने पर पता चलेगा इतना गंभीर पौरुष का, इतना गंभीर वैभव का स्वामी व्यक्ति, वो जीव चलते हुए जब बियाबान जंगलों में उसको भूख लगी, और भूख लगते वक्त वो जब झपट्टा मार करके दौड़ते हुए हिरण को पकड़ने की कोशिश करी, तीन कोशिशें नाकाम हो गई उस शेर की। छोटा सा हिरण था, लेकिन जान बचाने के चक्कर में इतना तेज दौड़ा कि इतने ताकतवर शेर की भी ताकत धीमी पड़ गई। दौड़ तो दोनों रहे हैं, एक जान बचाने के लिए और एक पेट भरने के लिए। और हमेशा ऐसा होता है कि जब पेट भरने के लिए कोई दौड़ता है, कोई जान बचाने के लिए दौड़ता है, तो जान बचाने वाला अपनी दौड़ में जीत जाता है और पेट भरने वाला अपनी दौड़ को हार करके कहीं ना कहीं रोक देता है। लेकिन उस शेर को उस दिन लगा कि अगर आज हिरण का शिकार ना किया तो मेरे शेर होने पर धिक्कार है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। अब एक शेर की ताकत में और एक हिरण की ताकत में अंतर तो होता है ना, छलांग, पैर, साइज, हाइट, हेल्थ, सेंगनन, सब में अंतर होता है। शेर ने उस हिरण को पकड़ तो लिया, बस पकड़ा था, तुरंत नहीं फाड़ते शेर, घर के हो या जंगल के, ध्यान रखिएगा, शेर तुरंत नहीं फाड़ते, पकड़ के धर लेते हैं पंजे पे अपने पास, फिर धीरे धीरे देखते हैं सामने वाले के चेहरे पर भय, सामने वाले चेहरे की आकांक्षा, सामने वाले के चेहरे का वो अपने आप को बचाने के प्रति पुरुषार्थ, उसकी ताकत को पंजे के नीचे रख करके शेर नापता है कि मैंने जिसको पकड़ा है वो कितना ताकतवर है। पकड़ने के बाद एक पंजा छाती पे रख करके एक ही पंजे से उसके पूरे शरीर की ताकत को वो शेर नाप रहा है। ये हिरण है, पकड़ तो लिया है, चेहरा कितना भयभीत है, कैसा भागना चाहता है कि नहीं, कान खड़े हुए कि नहीं, आंखों में भय पैदा हुआ कि नहीं, इधर उधर अपने जीवन को बचाने के लिए। जब उस शेर ने हिरण की छाती पर अपना हाथ रखा तो छाती पर रखे हाथ से हिरण को नाप रहा है शेर, सांसों की गति कितनी तेज है, कितना जीने के लिए इसके मन के अंदर भयाक्रांत है। इस स्थिति में शेर ने उस हिरण को 20 मिनट तक दबा करके रखा। भूखा था, लेकिन भूखा होने के पहले उसने सामने वाले को नाप लिया। आप भी भूखे हैं, लेकिन जिस किसी को पकड़ते हैं, पकड़ने से पहले उसका सब कुछ नाप लीजिएगा, उसका विवेक का स्तर कितना है जिसको आप दबाते हैं पंजे के नीचे, उसकी सोच कितनी बड़ी है, उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, उसके बौद्धिक क्षमता से वो कितना विस्तार को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो जंगल का शेर है और आप नरसिंह हैं। बंधुओं, उस शेर से अपनी तुलना करिए। और जैसे शेर बियाबान जंगल में शिकार करता है, ये मनुष्य के रूप में दिखने वाला शेर अपने घर के अंदर शिकार करता है। अपने घर के अंदर शिकार करने की आप सबको आदत है, नहीं है तो बता दीजिए। घर के अंदर कभी पत्नी का शिकार करेंगे, बड़े हैं, बब्बर शेर हैं, सबसे बड़े हैं, तो फिर कभी बच्चे का शिकार करेंगे, कभी भाई का शिकार करेंगे, क्योंकि भाई दुर्बल है तो बड़ा भाई छोटे का, नहीं तो छोटा बड़े का शिकार करता है। उसको तड़पाने में आनंद आता है, जैसे वो शेर है, वो नाप रहा है इसकी आंखों में कितना भय है, इसके कान कितने खड़े हैं, इसकी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा है। ठीक ऐसे ही एक ही माँ के जाय होने के बावजूद जब भाई भाई का शिकार करता है घर के अंदर, और जब दूसरे भाई की धड़कन बढ़ जाती है, तो जैसे हिरण की बढ़ती हुई धड़कन को देख करके शेर को बड़ी खुशी होती है, तो कितना भी भयभीत हो जाए,
मेरी ये उंगलियों के अंदर से निकलने वाले नाखून एक बार में तेरे को ख़त्म कर देंगे। कई बार ऐसे ही घर के अंदर का हम मिलकर के माहौल बनाते हैं, बना चुके हैं, बना रहे होंगे, या तो बना चुके होंगे या बना रहे होंगे या बनाने वाले होंगे, लेकिन कर रहे होंगे ऐसा। उस शेर से अपनी तुलना करिएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि सबसे पहले शेर का ऐश्वर्य देखो, और जब तुमको लगे कि मेरी इतनी बड़ी ताकत है, मैं किसी को दबा सकता हूं, मैं किसी की धड़कन नाप सकता हूं, उस समय ये बात जायज नहीं है कि हम उसको फाड़ दें। ये बात जायज है कि खम्मामी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमन, तुम्हें मैंने तेरे को नाप लिया, इतना ही बहुत था, तेरे को फाड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगली पर्याय में हम हिरण बनेंगे, तू शेर बनेगा, फिर तू मुझे मारेगा, मैं तेरे से बचूंगा। इस चक्र को रोकना पड़ता है। शेर को भूख लगी थी, भूख लगते हुए शेर ने अपने पंजे पर हिरण दबा के रखा था, उस पंजे को ऐसा वजन दे के रखा था, थोड़ा सा घाव किया था बस हिरण के में, कुछ रक्त की बूंदें छप करके निकल करके, क्योंकि मुंह से उसने अपने कैनियन तीस से हिरण के बच्चे को पकड़ा, तो थोड़ी सी रक्त की बूंद मुख के साथ सामने दिखने वाले बालों पर झर गई। कुछ केसर के जैसे दिखने वाले बाल जो थे उसके, वो बिल्कुल रक्त की आभा वाले हो गए, और सामने बैठा करके जैसे वो शेर पहले तो उसको नापता है, नापने के बाद जब शेर के सामने हिरण का चेहरा आता है, और जब शेर की कभी कल्पना करिए कि शेर की आंखें नथुने जो हैं वो पूरे फूले हों, थोड़ा सा मुख खुला हो, जीभ से लार गिर रही हो, थोड़ा सा फसूका निकल रहा हो, और शेर की गरम गरम सांसों से, वे गरम गरम सांसें हिरण के मुख पर जा रही हो, तो हिरण कैसा सोचता होगा। ऐसी ही स्थिति हम घर के अंदर पैदा करते हैं। भाई के सामने मुख लेके खड़े हो गए, पत्नी के सामने मुंह लेके खड़ा हो गए, अपनी बहन के सामने, माँ के सामने, पिता के सामने, किसी को भी दबा देते हैं आप घर के अंदर, किसी एकाध को तो छोड़ दीजिए। अभी तो सब कुछ अनुकूल है, एकाध को संकल्प करिए, अपने दिमाग में लिखिए, मैं अपने पूरे जीवन में अपनी माँ को नहीं दबाऊंगा, अपने पिता को नहीं दबाऊंगा, भाई को नहीं दबाऊंगा, पुत्र को नहीं दबाऊंगा। पांच पुत्र हैं तो एक पुत्री का या एक पुत्र का नाम लिखिए, लिखिए कि मैं इसको नहीं दबाऊंगा। इतने बड़े घोर घनघोर बब्बर शेर मत बनिए। वो शेर भी शिकार करने के बाद जब तक दोबारा भूख नहीं लगती किसी को नहीं मारता, लेकिन हम उससे गए बीते हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी एक का शिकार ना करें तो हमें नींद नहीं आती। एक शब्दों में भी एक शब्द गलत हो तो कहिएगा। वो शेर जंगल वाला, एक हम शेर अपने घर के अंदर जंगली माहौल बना करके बैठे हैं। दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो जाने से तुम बड़े नहीं हो जाते, उम्र के बड़े हो जाने से भी तुम बड़े नहीं हो जाते, अत्यधिक पैसा इकट्ठा कर लेने से भी तुम बड़े नहीं हो जाते। तुम्हारा बड़प्पन तो किसी और चीज से था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस बड़प्पन की परिभाषा सिखाने वाला तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं मिला। जब तक गुरु नहीं मिला तो हम कुछ भी सोचते रहे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे, दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, दो पांच लोगों के ऊपर रौबदारी कर लेंगे तो बड़े हो जाएंगे। लेकिन बड़प्पन की ये परिभाषा नहीं है। उस शेर को भी बड़प्पन की परिभाषा नहीं आ रही थी कि 25 किलो के एक छोटे से हिरण को 400 किलो का शेर अपने पंजे पर दबा करके बैठा है, और उसके मुख के सामने जब उस हिरण ने पलट करके सिंह को देखा, सिंह ने अपनी सांसों की गर्माहट उस हिरण के मुख पर छोड़ दी, हिरण का तो पूरा पसीना छूट गया। भापता हुआ, कांपता हुआ हिरण, उसके अंग अंग से पसीना छूटने लगा। कभी ऐसा माहौल घर के अंदर देखा है जब किसी बड़े भाई की बात को सुनकर के छोटे भाई के शरीर से पसीना छूट रहा हो? ऐसा लग रहा हो कि ये कहीं ऐसा ना हो कि एक बार और तेज बोला तो इसका यहीं हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसा घर के अंदर कभी माहौल मत बनाइएगा बंधुओं, अगर बना रहे हैं तो। जैसे उस शिकारी को उस शिकार से मुक्त करके भगवान तीर्थंकर बनाने का सौभाग्य देशना ने कर दिया, ठीक ऐसे ही अपने घर के अंदर भी उस
क्रूरता से करुणा का सागर बनने की घर के अंदर कोशिश करिए कि हम अपने घर के अंदर जिस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस क्रूरता करते हैं, उस क्रूरता ना करके हम करुणा का सागर घर के अंदर बने। जबलपुर में लोक सेवा बस सर्विस पे लिखा रहता है ज्ञान के सागर, विद्या सागर, हर जगह लिखा रहता है, सैकड़ों बसें हैं उनकी, हर बसों में पिछले 50 सालों से एक ही चीज लिखी है, ज्ञान के सागर विद्या सागर, ज्ञान के सागर विद्या सागर। जैसे वहां लिखी है, ऐसे अपने घर के अंदर भी करुणा सागर बनने की कोशिश करिए घर के अंदर। वो शेर हिरण को पकड़ करके वहां पे पंजा में दबा करके अपनी गरम गरम सांसों से जब पहली बार 5 किलोमीटर दूर से जब शेर की दहाड़ आती है तो हाथी जैसा जीव मलमूत्र छोड़ देता है। उस हिरण ने तो साक्षात सामने खड़े होकर के शेर की मुख की गर्माहट, उसकी बदबू अपने मुख पे सुनी, महसूस करी, और महसूस करने के बाद जब सिंह ने दहाड़ा, उस हिरण का बस प्राण नहीं निकला। हिरण ने अपने बचने की आशा वहीं पे छोड़ दी। शेर दो बार दहाड़ने पर सिर्फ दहाड़ मात्र से हिरण के पूरे प्राण प्रखेणु प्राय मृत प्राय हो गए। बस ऐसा लगा कि तीसरी बार दहाड़ेंगे तो ये हिरण बिना हिंसा किए मर जाएगा, लेकिन शेर उसको जिंदा रखना चाहता था। ऐसे ही आप भी अपने घर के अंदर करते हैं, छोटे भाई को, पुत्र को, पुत्री के ऊपर, किसी के ऊपर भी, किसके ऊपर शेर बन के आप हावी हैं आप देख लीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप घर के अंदर प्रवेश करते साथ ही वो अपने कमरे के अंदर भाग जाता है? बहू भाग जाती है, पत्नी भाग जाती है, नाती पोते भाग जाते हैं, बड़ा भाई भाग जाता है। टेबल में खाना खाते खाते दरवाजे से आवाज आई कि बाबूजी आ गए। पिताजी ने थाली उठा करके चौके में रख दी, बोले बस जितना खाना था खा लिया, बाकी बाद में खा लेंगे। उस थोड़ी हुई छोटी हुई थाली में पत्नी ने 2 रोटी और धरी और पति की थाली समेट करके अपना पेट भर लिया। ऐसा माहौल तो घर के अंदर नहीं बना दिया? ऐसा माहौल होता है घर के अंदर कि पिताजी ने, दादाजी ने घर के अंदर प्रवेश किया और पिताजी ने जितनी थाली में जितना खाया था उतना ही खाया, पानी पिया 2 घूंट और उठ गए। थाली पत्नी ने चुपचाप उठाई, देख लिया कि इसमें दाल भी बची है, सब्जी भी बची है, थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं, चटनी बची है, उसी में 2 रोटी और निकाली, उसी थाली में वो खाने बैठ गई। ऐसा भी घर के अंदर का माहौल होता है। अगर आपने अपने घर के अंदर इस तरीके का बब्बर शेर जैसा माहौल बनाने के लिए माहौल बना ही लिया है तो कहना चाहता हूं खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में। इस तरीके की दहशत का माहौल आज आप ताकतवर हैं, आप बना लेंगे। कल परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गई तो वो ताकतवर बनेगा, तो वो आपके लिए भी बनाएगा और आने वाली जनरेशन के लिए भी बनाएगा, क्योंकि मोहेन समृतम ज्ञानम सभावम लभते नहीं। उस शेर ने उस हिरण को 2 बार क्या दहाड़ा, हिरण को लगा कि अब मेरा घबराना भी व्यर्थ है। हिरण बिल्कुल शांत चित्त होकर के, जैसे योगी योग आसन पर बैठ करके जब मन वचन काय की प्रवृत्तियों को रोक लेते हैं, अपने श्वासोच्छ्वास के स्पंदन को भी वो धीरे धीरे कंट्रोल करके रोक लेते हैं, ऐसे ही उस हिरण ने अपनी पूरी श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य कर ली। हिरण समझ गया मरना तो तय है। अब हिरण क्या करता, जब शेर ने देख लिया कि हिरण समझ में आ गया है कि ये मरना तय है, तब एक बार हिरण ने 2 मिनट बाद एक पुरुषार्थ क्या किया, शेर ने अपने पंजे से नाखून निकाल करके हिरण की गर्दन पर दबा दिए। कुछ नाखून हिरण के गर्दन पर जैसे घुसे, रक्त की कुछ बूंदें बाहर छिटकने लगी और बस उसी समय पता नहीं किसका पुण्य था, हिरण का पुण्य था कि शेर का पुण्य था, कि उस पुण्य योग से वे 2 मुनिराज उस बियाबान जंगल में चारण रिद्धि के धारी होकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो भी अपनी साधना का कोई स्थल ढूंढ रहे होंगे। हिमकूट पर्वत के ऊपर जब वो सफेद पर्वत देखा, पर्वत की तहलटी पर
लगा हुआ घनघोर जंगल देखा और जंगल देखते साथ ही मुनिराज दोनों चारण दिद्धि मुनिराज को ऊपर से वो दृश्य दिख गया कि बड़े बड़े पेड़ के बीच में एक बहुत बड़े हिरण को एक उससे भी बड़े शेर ने पकड़ करके रखा हुआ है। महाराज आसमान से जा रहे थे, नीचे उतर गए, नीचे उतर करके बोधि दे दी, समझा दिया, समझा करके बोला, समझाया बस दो शब्दों में कि क्रूरता के सागर बनने से कोई मतलब नहीं है, आपको आगे चल करके करुणा का सागर बनना है। बहुत ज्यादा संबोधन की जरूरत सिर्फ इंसान को पड़ती है, त्रियंशों को बहुत ज्यादा संबोधन की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कितनी गाय गौशाला देवदत्त जबलपुर में देखी है, मैं खड़ा होता था वो मेरी पीठ चाटने लगती थी। हम बार बार सोचते थे कि हम जाते हैं और ये गाय जो हैं कोई पैर चाटने लगती थी, कोई मुस्कुरा के रंभा देती थी, कोई पास में आके खड़ी हो जाती थी, कोई रगड़ने लगती थी। ऐसे अनुभव मैंने देवदत्त गौशालाओं में कई बार किए। ये तो ठीक था, एक सांड था बहुत बड़ा भयंकर, वो भी जब दिगंबर मुद्रा को देख करके हमने हाथ आगे किया तो पास में आकर के पहले उसने मेरा हाथ सूंघा, फिर धीरे से उसने मेरा हाथ चाटना शुरू कर दिया। हमने कहा कि एक सांड उसको भी बिना संबोधन दिए सिर्फ देह देखने मात्र से बोधि की प्राप्ति हो गई, फिर तो निरंतर वो उपक्रम चालू हो गया बंधुओं कि हम जाते वो सब इकट्ठे होकर के मेरे पास खड़े हो जाते। त्रियंचे को ज्यादा बोध देने की जरूरत नहीं पड़ती, मनुष्यों को रोज समझाना पड़ता है। उधर वो चारण दिद्धि मुनिराज ने नीचे उतरे, नीचे उतर करके बस इतना बोलते हैं, वनराज अपना ऐश्वर्य तो देखिए और अपने देखे हुए ऐश्वर्य में ये देखिए कि आपने कितने छोटे से व्यक्ति जीव को पकड़ के रखा हुआ है, और क्रूरता का सागर बनने से क्या होगा, आगे चल करके तो करुणा का सागर बनना है आपको। ये शब्द बस कहे थे मुनिराज ने, अमित तेज नाम के और अजितंजय नाम के दो चरण दिद्धि मुनिराजों की देशना, सिर्फ चार शब्दों की देशना ने शेर का पूरा जीवन पलट दिया बंधु, पूरा जीवन। हम पिछले 30 सालों से गुरुओं के उपदेश निरंतर सुनते हैं, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, क्योंकि हम श्रोता बनकर के तो उपदेश बहुत सुनते हैं। मैं आपसे कहता हूं सिंह बनकर के एक बार अपने ऐश्वर्य को आंख बंद करके देखिएगा, एक शेर का जैसा ऐश्वर्य होता है ऐसा ही मेरा भी ऐश्वर्य है। ना मैं रोगी हूं, ना मैं किसी से दबता हूं, ना मैं गरीब हूं, ना मुझे किसी चीज का अभाव है। जंगल में शेर को किसी चीज का अभाव होता है क्या? अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करता है शेर, जहां से जो चाहिए होता है खोद करके पुरुषार्थ करके निकाल लेता है। जीवन में ऊपर उठने के दो ही सूत्र हैं बंधुओं, सिर्फ दो सूत्र हैं ऊपर उठने के। एक तो पहला सूत्र है कि निरंतर प्रयास करते रहो, और दूसरा एक जीवन में ऊपर उठने का सफलतम सूत्र है कि हमेशा जुड़े रहो सद्गुरुओं से। घर के अंदर रहकर के प्रयास करते रहो, गुरुओं से जुड़ते रहो, और जुड़े रहने का नाम ही भक्ति होता है। उन चारण दिद्धि मुनिराजों के चार शब्द सुनकर के शेर का पूरा अंतर मन उन मुनिराजों के चार शब्दों से क्या जुड़ा, शेर ने अपना पूरा स्वभाव ही बदल लिया। कल तक शेर की क्रूरता से पूरा जंगल गंभीर और भयाक्रांत हो जाता था, मुनिराज के चार शब्दों के उपदेश के बाद शेर ने जब अपनी पूरी प्रकृति बदली तो उसी शेर ने जो इतना भयंकर दिखता था कि दहशत में एक बार हुंकारा लेता था 5 किलोमीटर के जानवर सन्न हो जाते थे, उसी शेर ने उसी जंगल में सेवा का संकल्प ले लिया। हिरण के पंजे के अंदर, गले के अंदर हिरण का जो पंजा घुसा था, कहने मात्र पे छोड़ दिया, हाँ महाराज ऐसा हटा करके। और जब मुनिराज सामने खड़े होकर के सिंह उनकी दिगंबर मुद्रा को देख रहा था, प्रशांत रूपाय दिगंबर आए, कभी महसूस करिएगा बंधुओं, जब घर के अंदर बहुत उलझन हो, बहुत मारा मारी चल रही हो, तीव्र कसाय का वातावरण बन रहा हो, तब कहीं भाग करके आत्महत्या करना, फांसी लगाना, ये जो गलत विचार आते हैं,
इन विचारों से हट करके 100 रुपए का टिकट कटा करके किसी साधु के आश्रम में जा करके दिगंबर मुनिराज की मुद्रा मात्र देखना। जब भी कोई प्रतिकूलता हो, गांव में कोई साध्वी के पास जाकर के 10 मिनट बैठ करके देखना। कुछ बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है, सिर्फ जाकर के बैठ जाना है। साधु भगवंत अपना काम कर रहे होंगे, फिर जाकर के बस इतना ही बोल, बस देखो उनको। देखने से पता चलेगा हम कहां फंसे थे, ये कितने निराकुल हैं। सिंह ने उस साधु को देखा, दो साधुओं को, उनकी उस प्रशांत मुद्रा को देख करके, दिगंबर मुद्रा को देख करके सिंह को अंदर ही अपने आप में स्वात्म बोध अंदर पैदा हुआ। वो क्रूरता का सागर, करुणा का सागर बनने के लिए पहला कदम उठाया। उसने सेवा का संकल्प ले लिया, संकल्प कर लिया इस बात का कि मैं जहां तक मेरा प्रभाव है वहां तक के एक भी जीव को मैं कभी नहीं मारूंगा। इतना ही नहीं, संसार में किसी जीव की मैं हत्या नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात होती है। एक शेर बौद्धिक स्तर पर इंसान है, एक शेर नैतिक स्तर पर मनुष्य जैसा आचरण कर रहा है, एक शेर मानसिक स्तर पर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। हम इंसान होकर के एक शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, शेर इंसान होने की कोशिश कर रहा है। शेर का बौद्धिक स्तर, शेर का नैतिक स्तर, शेर का मानसिक स्तर करुणा से लबालब भरा हुआ है। आप सोचिए, आपका बौद्धिक स्तर अहिंसा से भरा हुआ है कि नहीं? नैतिक स्तर पर आप अहिंसक हैं कि नहीं? शेर तो नैतिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर अहिंसक बन गया मुनिराज की देशना सुनकर के। आप शेर जैसा क्यों बनना चाहते हैं? घर के अंदर मेरी दहाड़ पे सब कांपेंगे, मैं किसी को भी पकड़ लूंगा, मैं किसी को भी दबा दूंगा, मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूं। तेज बोलने वाले कमजोर हुआ करते हैं बंधुओं। जब अपने शब्दों की धार का पैनापन खत्म हो जाता है, तब आदमी अपने शब्दों में क्रोध की तलवधार और पैदा करके आदमी को जीतने का प्रयास करता है। हारे हुए व्यक्ति क्रोध करते हैं, जीते हुए व्यक्तियों को क्रोध का कोई काम नहीं है। शेर जब वहां पर बैठ करके उसने मानव सेवा का संकल्प ले लिया, शेर ने सिंह बन करके, आप भी कभी मानव सेवा का संकल्प लीजिएगा। इस बात का संकल्प करिएगा कि मैं मेरे आश्रित दिखने वाला जितना भी दुख और दर्द है सबको दूर करने का मैं संकल्प लेता हूं। घर से लेकर के ऑफिस जाने के बीच तक में जो भी दुख का कारण दिखेगा उसको दूर करने का मैं संकल्प लेता हूं। दिखाई देगा, एक छोटी सी बच्ची रास्ते पर रोज एक स्थान पर बैठ करके भीख मांगती है। जब इस संकल्प लोगे तब वो बच्ची दिखाई देगी, उसका दुख दिखाई देगा, और जब उसका दुख दिखाई देगा तो एक अच्छी सी फ्रॉक, अच्छा सा, ठंडी आ गई ना, ठंडी में एक अच्छा सा स्वेटर खरीद करके उसको दे के आओगे। स्वेटर खरीद के देने का मन नहीं करेगा तो घर की पुरानी स्वेटर दे करके आओगे। बोले, मैंने इतना संकल्प किया था कि मैं अपने मकान से लेकर के अपने बिजनेस सेंटर के बीच में कोई भी दुख का कारण देखूंगा, उसको दूर मैं बुद्धिपूर्वक करूंगा। आज देखिए, कल इम्प्लीमेंट करिए, सुधारने की कोशिश करिए। उस शेर ने मानव सेवा का संकल्प ले लिया और हम मानव होकर के शेर बनने का संकल्प ले रहे हैं। इतना बड़ा बनना है, इतना बृहद बनना है, इतनी दहाड़ मारनी है कि हमारे चलने के अंदाज मास से बगल वाला दहशत में आ जाए। ऐसा जीवन भी किस काम का कि घर के चार लोग एक साथ मिलकर के रोटी ना खा सके? अपना ही बच्चा, अपनी ही पत्नी, अपनी ही बहू, अपने ही परिवार के लोग घर के अंदर प्रवेश करें और जैसे छोटे छोटे बिलों में सब दुबक करके बैठ गए, आवाज नहीं करो, दादाजी आए हैं, दादाजी आए हैं कि गुंडा आया है घर के अंदर? कौन? दादाजी नहीं है, दादाजी होते तो नाती को प्यार करते, गुंडा घुसा घर के अंदर, गुंडा। वो गुंडा घुसा है तो वो अपनी पत्नी को दहशत में डाल रहा है, वो गुंडा घुस करके अपने बच्चों को, नाती को, पोतों में दहशत में डाल रहा है, जीना हराम कर दिया। कैसे हैं आप? महाराज, हम, हमारा लड़का इतना अदब है कि वो हमारे सामने खा नहीं सके। अदब नहीं है, गुंडे की दहशत है घर के अंदर, दहशत मचा के रख दी। इस दहशत से घर परेशान है। भाई भाई के साथ मिलकर के एक साथ एक ही दुकान है,
चार भाई दुकान में बैठ रहे हैं, चार भाई दुकान में बैठने के बाद किसी का दिमाग ज्यादा चलता है तो किसी का शरीर ज्यादा चलता होगा, किसी के व्यवहार ज्यादा चलते होंगे, लेकिन जब दिमागदार दहशत मचाता है तो वो छोटे से या बड़े से कहता है तुमने किया ही क्या है। जब घर के अंदर ऐसा बोला जाता है तब दहशत मचती है, तब ऐसा व्यवहार घर के अंदर ऐसा क्रूर जंगली जीवन जैसा हो जाता है कि आदमी को लगता है कि घर में रहे कि घर से भाग जाए। जरा जरा सी बात में जैसे शेर पंजा मारता है, ऐसे हमको घर के लोगों को पंजा मारने की आदत है, तो वो पुरुष होकर के स्त्री के गाल पे पंजा मारता है, कभी स्त्री होकर के स्त्री के गाल में शेरनी बनके पंजा मारती है। ये पंजे मारने की आदत से भी घर के अंदर छोड़ना होगा अपने आप को। इंसानों के घर के अंदर शब्दों की सात्विक बौछारी दूसरे सामने को समझाने के लिए काफी थी। तुम क्रूर होकर के पत्नी के गाल पर पंजा मारते हो और ये समझते हो कि हम इसके ऊपर शासन कर रहे हैं, इसके स्वामी है, गलतफहमी में है। तुमसे अच्छा है वो शेर कि हिरण को दबाया था, मुनिराज के उपदेश सुनकर के जानवर होकर के सुधर गया, हम इंसान होकर के सुधरने की कोशिश नहीं करते। घर के अंदर संसार में कितने पति होंगे, कितने दादा दादी होंगे, कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में आपका अपना 40-60-70% तक बॉडी जिनकी जला दी गई होगी। तुम उस शेर से भी गए बीते हो। गुंडे एक नंबर के घर के अंदर रहने वाले, जो घर के अंदर के लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करे। अरे वो माहौल पैदा किया होता जो भगवान महावीर ने अपने समोषण लगा करके पैदा किया था कि गाय और सिंह एक दूसरे के साथ बैठ गए, बाराएं सभाएं लगा करके अपने घर के अंदर का महावीर बनने की कोशिश करो, गुंडा बनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। घर के अंदर का महावीर बनो कि पहले मैं इस घर का मुखिया हूं, मेरे पिता के मरने के बाद पगड़ी मेरे सिर पे बांधी गई थी, मतलब मैं इस घर का महावीर हूं, मेरे सामने कोई तेज नहीं बोलेगा, सब बैठ करके एक साथ हंसी मजाक करेंगे, बातें करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, मेरे एक शब्द कहने पर पूरे परिवार के लोग स्वाध्याय करते हो, स्तोत्र पाठ करते हो, तीर्थ वंदना के लिए ले जाने के लिए तैयार होता हो, वो बड़े का मन होता चाहिए इस बात का, भैया इस अगले लास्ट संडे पड़ रहा है ना, दुकान बंद रहती है, दुकान बंद रहती है तो क्या करना है, हाँ पप्पू से बोल दो एक गाड़ी कर दें, कल सुबह सबके सब तीर्थ करवे जाएं, उतई पे विधान करें, दिन भर उतई रहने आए। ऐसा तो बोला नहीं, हाँ मॉल चलते हैं, पिक्चर देख करके आते हैं, ऑफिस बंद है, संडे बंद है, क्लोज है, सैटरडे क्लोज हो गया, किस जिस दिन दुकान बंद हो गई बस उसी दिन चलो मॉल देख करके आते हैं, वहां पर भी वायलेंस सीख करके आते हैं। ऐसा माहौल घर के अंदर बना के रखा है, कितने गुंडे घर के अंदर पल रहे हैं, एक बार अपने घर के अंदर के गुंडों की लिस्ट बना करके व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारे घर के अंदर हमको हमारे पिता से दहशत है, बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा ऐसा माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसान होने के बावजूद हमने अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बना दिया। तुमसे अच्छा है वो शेर, भले चार लोगों को फाड़ता है लेकिन उसके बाद भी शांत बैठता है, हम तो एक मिनट शांत नहीं बैठते। ऑब्जेक्ट मिले तो और नहीं मिले तो अपने दिमाग में उस ऑब्जेक्ट को कितनी बार चीड़ा फाड़ी करते रहते हैं, लेकिन वो शेर बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर, तीनों स्तर पर करुणा का सागर बन गया। तीन स्तरों पर घर के अंदर करुणा का सागर बनी है, बौद्धिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और नैतिक स्तर पर भी। कहानियां भगवान महावीर के बारे में समझने के लिए नहीं है, भगवान महावीर बनने के लिए है। ये महावीर गाथा जो हमने आज शुरू की है, ये गाथा उनकी कहानियां उनका संवाद इसलिए नहीं है कि तुम उसको देख सको कि जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं, उस सिद्धालय में जाते हुए जीव से प्रेरणा ले सको कि हम सिद्धालय में इस तरीके से जाकर के जिस दिन विराजमान होंगे उस दिन हमारे जीवन में जितने भी दुख थे वे सुख में परिवर्तित होंगे। शेर ने हिंसा का छोड़ी, मुनिराज के कहने पर उसके जिंदगी की धारा बदल गई, उसने पहली बार अंदर से इस बात का एहसास हुआ कि किसी के लिए करुणा का सागर बनने पर कैसा वात्सल्य मिलता है। वो शेर जो हिरण को दबा करके दहशत से भरी भरी आंखों से
बड़े बड़े नथुने खड़े करके जब फूंकता था गर्माहट के साथ, उस समय हिरण के चेहरे की दहशत तो शेर ने कई बार देखी थी, लेकिन करुणा का सागर बनने के बाद इतना सीधा हो गया। ग्रंथकार आचार्य सकल कीर्ति महाराज अपने ग्रंथ पर लिखते हैं इस बात को, ऐसा लगता नहीं था कि शेर है, ऐसा लगता था कि शेर का चित्र खड़ा कर दिया गया है। शेर ने अपनी आंखों से आंखें मिला करके कई लोगों के अंदर दहशत पैदा करी, लेकिन जब शेर ने मुनिराज के कहने पर वो हिंसा का भाव मन से, तन से और वचन से छोड़ा, वचन से भी हिंसा छोड़ दी शेर ने, मन से भी छोड़ दी और काया से भी छोड़ दी। आपने अपने घर के अंदर जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन बीच के लोगों के बीच में मन से, तन से, मन से, वचन से किस प्रकार की हिंसा का त्याग है आपका, एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके। महाराज मेरी तन की हिंसा करने का घर के अंदर के लोगों का त्याग है, लेकिन मैं वचन की और मन की हिंसा करता हूं। फिर आप बोलेंगे महाराज तन की हिंसा का छोड़ दिया था, अब मैंने वचन की हिंसा भी छोड़ दी है, लेकिन मन से हिंसा करता हूं। मन से घर के अंदर के लोग, घर के अंदर ही सारे 10 सच कर्म कर लेते हैं, बलात्कार भी हो जाता है, हिंसा भी हो जाती है, मर्डर भी हो जाता है, चोरी भी हो जाती है, सब हो जाता है। बस ये है कि उसका केस बाहर नहीं बनता, लेकिन अंदर बनता है। ये नहीं सोचना कि तुमने सोचा है तो उसका केस नहीं बनेगा। उसका केस आईपीएल इंडियन पीनल कोड में तो नहीं बनेगा। भारतीय संविधान आपको मन के अंदर के किए गए अपराध की कोई सजा नहीं देगा, यह बात तो ठीक है, लेकिन मन के किए अपराध की सजा आपको जैन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर देगा। वो कहेगा कि तुमने कसाय की तीन परिणाम के साथ जिन कर्मण वर्गणाओं को, जिन कर्म वर्गणाओं को पकड़ लिया है, वे कर्म वर्गणाएं जब भी उदय में आएंगी तुमको दुख दे के जाएंगी, जब भी उदय में आएंगी। उस शेर ने महाराज के शब्दों को सुन करके वो करुणा का सागर मन से, वचन से, काय से, बौद्धिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर बढ़ा। इन 6 स्तरों पर अगर आप कहीं घर के अंदर शेर हैं, या आपके घर के अंदर आप गुंडागर्दी करते हैं, परिवार वालों से गुंडागर्दी करके क्या मिलेगा मुझे बताइएगा ना। घर के अंदर रह करके तेज आवाज में बात करके, चिल्ला करके, पत्नी को मार करके, पति को मार करके, पिता को मार करके क्या मिल गया? रहना तो उन्हीं के साथ है, कहीं और जाना हो तो बताइए। तो जब जिनके साथ रहना है तो वहां पर परस्पर उदीरित दुखा की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं हम? घर के अंदर रहेंगे और घर को नरक बना के रहेंगे। ऐसी स्थिति अच्छा है कि घर के बड़े इस बात की जवाबदारी ले लें कि मेरा घर भगवान महावीर के समोषण के समकक्ष होगा, जहां सबको सब तरीके की मानसिक शांति मिलती रहेगी। ये जाकर के आप अपने शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाएं। आपका समय हो गया है। ये महावीर गाथा, उनके जीवन चरित्र आज प्रथम दिवस है, धीरे धीरे ये बढ़ाने की कोशिश करूंगा जहां तक ले जा पाऊं, जहां तक आप सुन पाए। ये अपेक्षा मत रखिएगा कि महाराज पूरी कर दीजिए, जहां तक मेरे पास समय होगा मैं इसको बता करके दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप भगवान महावीर के उस पुरातन जीव के जीवन चरित्र से अपने घर के चरित्र को सुधारने का प्रयास करें। ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।